हेलो बच्चों यार, आप लोगों की किस्मत थोड़ी खराब चल रही है बच्चों यार। बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यार, टेक्निकल फिर से वापस से मिस्टेक हो गया, एकदम कनेक्शन कट हो गया है। टेक्निकली फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यानी कि डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम में पता नहीं किसी की नजर लग गई है शायद। ओके, तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम से हम घबराने वालों में से नहीं है, प्रॉब्लम जितनी आएगी हम उतना स्ट्रांग होंगे। ओके, तो प्रॉब्लम से हम हारने वालों में से नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी प्रॉब्लम आएगी हम और स्ट्रांग होंगे, ठीक है? तो चलिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। हमारे पास नेजल कैनुला है, नेजल प्रॉन्ज है, नेजल कैथेटर है, और मास्क की हमारे पास कितने टाइप के? चार टाइप के मास्क होते हैं। सबसे पहला सिंपल मास्क, बच्चे सिंपल मास्क से मिनिमम 5 to 8 लीटर पर मिनट फ्लो रेट रखना होगा। दूसरा हमारे पास होता है नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क का फ्लो रेट 10 to 15। बच्चों नॉन रीब्रीदर मास्क की खास बात क्या होती है कि नॉन रीब्रीदर मास्क वन वे वॉल्व के द्वारा सील्ड पैक मास्क होता है, जिससे कि एक्सहेल्ड एयर कैन नॉट बी यूज टू रीब्रीद। रीब्रीदिंग के लिए एक्सहेल्ड एयर को यूज नहीं किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ द पार्शियल रीब्रीदर मास्क देयर इज अ रिजर्वायर बैग एस्ट बच्चे दिस एक्सहेल्ड एयर कैन बी यूज्ड फॉर रीब्रीद ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को रीब्रीद के लिए इसको यूज किया जा सकता है। देन फोर्थ टाइप ऑफ द मास्क इज द वेंचुरी मास्क। और बच्चों वेंचुरी मास्क में ध्यान रखना, इसका नाम रखा गया है एक डिवाइस के आधार पर, ये होती है एक वेंचुरी डिवाइस। और वेंचुरी डिवाइस क्या करता है, इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है वेंचुरी चैम्बर के अंदर, वेंचुरी चैम्बर में सर्कुलेट होता है। और इसके साथ साथ ही ये क्या करता है, रूम एयर को इनहेलेशन एयर के साथ मिक्स करके पेशेंट को इनहेल करवाता है। तो जस्ट दिस टाइप ऑफ द वेंचुरी इज यूज्ड फॉर द इनहेलेशन ऑफ एयर। जस्ट वी यूज दिस चैम्बर, दिस वेंचुरी डिवाइस फॉर इनहेलेशन ऑफ द एयर। एयर के इनहेलेशन के लिए इसको यूज करता है, ठीक है बच्चे? तो चार टाइप के मास्क थे, चारों में डिफरेंस जानते हो आप। रीब्रीदर में एक मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीदिंग के लिए मास्क होता है, जिसमें इनहेल एयर को वापिस रीब्रीद के लिए यूज किया जाता है। सिंपल फेस मास्क आप जानते ही हैं। नॉन रीब्रीदर एक ऐसा रीब्रीदर मास्क होता है जिसमें एक्सहेल्ड एयर को रीब्रीदिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। पार्शियल रीब्रीदर मास्क जस्ट हैव अ रिजर्वायर बैग एंड 1/3 पार्ट ऑफ दिस रिजर्वायर बैग कैन बी यूज्ड फॉर रीब्रीदिंग। देन जस्ट हैव द वेंचुरी मास्क, इट हैव द वेंचुरी डिवाइस, और अलग अलग कलर की वेंचुरी डिवाइसेस आती हैं। दैट मिक्स द रूम एयर इन इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर में ये रूम एयर मिक्स करके और इनहेल करवाता है, क्लियर है? तो एक छोटा सा रिव्यू दिया था मैंने आपको, ताकि आपको अभी डिवाइसेज जो बताएंगे उसको पहचानने में परेशानी ना हो, ठीक है बच्चों? बड़े आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम शुरू होने वाले हैं। और सबसे पहला डायग्राम हमारे पास जो इमेज आया है वो है बच्चे पल्स ऑक्सीमेट्री का डायग्राम। आप जो इमेज देख रहे हैं दैट इज द पल्स ऑक्सीमेट्री, और पल्स ऑक्सीमेट्री मेजर द आर्टेरियल ऑक्सीहीमोग्लोबिन सेचुरेशन। बच्चे जस्ट दिस डिवाइस इज मेजर, पहली बात ध्यान रखना, ये क्या मेजर करता है, दिस मेजर द ऑक्सीहीमोग्लोबिन सेचुरेशन मेजर करने वाला डिवाइस होता है। फंक्शन ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। दूसरा जो लेटेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि पल्स ऑक्सीमेट्री जस्ट मेजर द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, देन इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो जस्ट गाइज, इट इज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये किस पे आधारित डिवाइस है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे आधारित डिवाइस है। देन ये क्या क्या डिस्प्ले करता है, तो बच्चों इट डिस्प्ले द O2 सेचुरेशन एंड पल्स। दो चीजें इससे हम मेजर करते हैं, O2 सेचुरेशन एंड पल्स। ये यहाँ पर जो दिखा रहा है बच्चे, फर्स्ट वाली रीडिंग पढ़ना भी आपको आना चाहिए। ये जो फर्स्ट रीडिंग देख रहे हैं आप, ये SpO2 का रीडिंग है। किसका रीडिंग है, SpO2। ये जो सेकेंड रीडिंग आप देख रहे हैं ये पेशेंट का पल्स है। क्या है ये, पल्स। तो पल्स कितना आ रहा है, 80 पल्स आ रहा है, और 98% किस क्या आ रहा है इसका, SpO2। अंडरस्टैंड बच्चों, तो इस तरह से पढ़ा जाता है पल्स ऑक्सीमेट्री को। पल्स ऑक्सीमेट्री करने के लिए प्रेफर्ड फिंगर इज द इंडेक्स फिंगर। यदि अगर इंडेक्स फिंगर इज नॉट अ प्रॉपर साइट एंड इट इज डैमेज्ड, देन वी कैन यूज द मिडिल फिंगर,
वी कैन ऑल्सो यूज द रिंग फिंगर, डू नॉट यूज इन द चाइल्ड और नियोनेट्स। बच्चे जो अडल्ट पल्स ऑक्सीमेट्री है, वी नेवर यूज दिस ऑक्सीमीटर फॉर द चाइल्ड और नियोनेट्स। चाइल्ड और नियोनेट्स के लिए इस ऑक्सीमीटर को यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? तो जस्ट बच्चे क्लियर नहीं दिख रहा है क्या अभी तक? यार क्लियर दिख रहा है अब तो? अभी क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अब क्या परेशानी आ रही है यार? ये तो पता नहीं किसी की नजर लग गई है शायद। आप लोगों की किस्मत में शायद है नहीं शायद क्लास, मुझे लगता है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत पढ़ाने में बड़ी तकलीफ आ रही है यार। बढ़िया दिख रहा है अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो क्या परेशानी आ रही है? कुछ नहीं आ रही यार। आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ यार बच्चों, क्वालिटी बढ़ाओ। आप दिख रहा है यार, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्वालिटी बढ़ाओ यार, काई के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग? परेशान मत करो यार, क्लास अटेंड करो भाई। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड है आज के रेस्पिरेटरी के, तो अक्सर इमेज बेस्ड ऐसा कोई एग्जाम छूटा नहीं जिसमें रेस्पिरेटरी का इमेज बेस्ड अगर नहीं आएगा तो फिर किस यूनिट का आएगा यार? रेस्पिरेटरी तो सबसे जानदार यूनिट है। ठीक है, तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री में ध्यान रखिए बच्चे, पल्स ऑक्सीमीटर ये वाले को हम यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? चाइल्ड और नियोनेट्स के लिए। बस बच्चे ये एक ध्यान रखिए, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रिंसिपल पे मेजर डिपेंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इससे मेजर किया जाता है। इसमें फर्स्ट रीडिंग जो आप देख रहे हैं, क्या क्या मेजर करते हो आप पल्स ऑक्सीमेट्री से? SpO2 मेजर करते हो और पल्स मेजर करते हो। तो जो फर्स्ट रीडिंग है ये SpO2 है और सेकंड सकते हैं। तो चाइल्ड के लिए इसको यूज करने का बच्चे एडेसिव सेंसर इज यूज्ड हियर। वी नो दैट एडेसिव सेंसर, यहां ध्यान रखना ये टर्म। यदि अगर आपको नियोनेट्स और इन्फेंट्स में ऑक्सीजन मेजर करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन करना है, तो जस्ट एडेसिव सेंसर यूज टू मेजर द नियोनेट और चिल्ड्रंस SpO2। और एडेसिव सेंसर कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है, इस तरह का जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर। तो आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग प्रोसीजर, तो आपसे यदि अगर ऐसा कहा जाए तो वॉट इज दिस, दिस प्रोसीजर इज इंडिकेटिंग द CO2। ये क्या प्रोसीजर है बच्चे? SpO2 मेजर करने के लिए चिल्ड्रंस में किया जाने वाला प्रोसीजर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आप देखिएगा, दिस इज द लेरिंजोस्कोप। क्या है ये? दिस डिवाइस इज द लेरिंजोस्कोप। ओके, दिस इज द लेरिंजोस्कोप। और लेरिंजोस्कोप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्लड्स आती हैं बच्चे। जो लेरिंजोस्कोप होता है यहां पर, ये लाइटेड स्कोप होता है। दिस इज द लाइटेड स्कोप। Understand? तो लाइटेड स्कोप इज यूज फॉर द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। दिस इज द लेरिंजोस्कोप। क्या है ये? लेरिंजोस्कोप है। ओके बच्चे, एंड देन लेरिंजोस्कोप इंसर्शन के द्वारा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया गया है। तो आपसे कहा जाता है, ये जो मैच का क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि आइडेंटिफाई Which of the following procedure in given following image? दिए गए image में कौन सा procedure किया जा रहा है? तो in this image, just that is the procedure for endotracheal intubation. ये क्या है बच्चे? Endotracheal intubation किया जा रहा है। This is the procedure for endotracheal intubation. ये procedure endotracheal वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? अरे यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब टेक्निकल होते हैं यार। ये रीब्रीदर मास्क क्या है बच्चे? दैट इज द रीब्रीदर मास्क। दिस इज द रीब्रीदर मास्क। एंड इन दिस वी कैन यूज 1/3 ऑफ द एक्सहेल्ड एयर फॉर रीब्रीदिंग। इसमें हम एक्सहेल्ड एयर का 1/3 पार्ट कैन बी यूज फॉर द रीब्रीदिंग। सो दिस इज अ रीब्रीदर मास्क। ओके बच्चे, एंड हियर यू आर सीइंग दिस इज अ स्पायरोमेट्री। क्या है ये? दिस इज स्पायरोमीटर। ये क्या है बच्चे? तो दिस इज द स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर डिवाइस है। अंडरस्टैंड? देन क्लाइंट लंग विद द अस्थमेटिक एयरवे। तो बच्चे यहां पर जो आप लंग्स देख रहे हैं वो अस्थमेटिक एयरवे के लंग्स है। तो आइए शुरू करते हैं, यानी किस तरह से अस्थमा होता है। तो बच्चे एयरवे के दो प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स होती हैं,
यानी कि लंग्स से दो डिसऑर्डर ध्यान रखिए, पहला अस्थमा, सेकंड डिजीज होता है सीओपीडी। बच्चे अस्थमा जो होता है ये एयरवे का प्रॉब्लम है, एयरवे में क्या हो जाता है, एयरवे में हो जाता है इन्फ्लामेशन। तो जस्ट द इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे इज कॉल्ड अस्थमा। दूसरी प्रॉब्लम है बच्चे सीओपीडी, तो सीओपीडी जस्ट लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जस्ट लंग्स की प्रॉब्लम होती है। तो सीओपीडी में हम दो डिजीज मेनली इंक्लूड करते हैं बच्चों, पहला हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, क्या ब्रोंकाइटिस, एंड सेकेंड हम कहते हैं एम्फाइसिमा, क्या कहते हैं एम्फाइसिमा प्रॉब्लम। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अस्थमा से अफेक्टेड है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पिटिंग कफ, स्पिटिंग कफ। अरे बच्चों ये ब्राइटनेस का इश्यू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इमेजेस जो है ना, इमेजेस बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट किए हैं आपके लिए, और इमेजेस क्या है, बहुत ब्राइट इमेज है इसलिए ये आपको शो नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं हो, थोड़ा सा ब्राइट आएगा आएगा। फॉलोइंग प्रोसीजर, तो अब से क्वेश्चन कहां जाएगा, क्वेश्चन क्या आता है कि आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग इमेज, आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग प्रोसीजर, फॉलोइंग प्रोसीजर को पहचानिए। तो जस्ट हम जवाब देंगे कि सर इन दिस प्रोसीजर वी आर जस्ट एडमिनिस्ट्रिंग द ऑक्सीजन बाय यूजिंग द वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क के अंदर ये होती है, यहां पर वेंचुरी, इस वेंचुरी के माध्यम से हम रूम एयर, इसके अंदर ये डिवाइस अपने आप ही इनहेल करता है, अंडरस्टैंड। तो जस्ट वेंचुरी इज यूज टू इनहेल द रूम एयर, देन ओपनिंग फॉर द एक्सहेलेशन एयर, एडजस्टेबल नोज टिप। तो यहां से बच्चे ध्यान रखना, वेंचुरी जो होता है, वेंचुरी के अंदर रूम एयर को, यानी सिंपल फेस मास्क, रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, और तीसरी बात करते हैं वेंचुरी मास्क, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो वेंचुरी मास्क में एक डिवाइस है, वेंचुरी डिवाइस, दैट इज जस्ट यूजिंग द रूम एयर फॉर इनहेलेशन। तो इट मिक्सेस द रूम एयर विद द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनहेल्ड ऑक्सीजन के साथ ये रूम एयर को मिक्स करके और उसके साथ हमें इनहेल करवाता है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर एक डिवाइस होता है, दिस डिवाइस इज द वेंचुरी डिवाइस। तो ध्यान रखिएगा, इन दिस पिक्चर वी आर जस्ट डिलीवरिंग द ऑक्सीजन फॉर द बाय यूजिंग द वेंचुरी मास्क। अब आती है बात बच्चों ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स की। तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कफलेस और कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी। तो ये जो आप यहाँ शो कर रहे हैं ये कफलेस ट्रेकियोस्टोमीज हैं, और कफलेस ट्रेकियोस्टोमी में तीन एग्जांपल आपके पास है। कफलेस ट्रेकियोस्टोमी तीन प्रकार की होती है, सबसे पहली होती है ऑब्टूरेटर, सेकेंड होता है कैनुला, थर्ड होता है बच्चे आउटर ट्यूब विद फ्लेंज। तो दिस इज द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विद आउटर फ्लेंज, आउटर ट्यूब विद फ्लेंज, दिस इज द कैनुला, दिस इज ऑब्टूरेटर। तो आइडेंटिफाई थ्री टाइप ऑफ द कफलेस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स। कफलेस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स मोस्टली यूज्ड फॉर द चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स के लिए वी यूज द कफलेस। इन ट्यूब्स के अंदर यहां पर कोई ट्रेकियोस्टोमी कफ नहीं होता है, ट्रेकियोस्टोमी कफ नहीं होता है, सो दे आर कॉल्ड कफलेस। दूसरे टाइप के ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होते हैं बच्चों कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स, और कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं आइए जानते हैं। ये जो हम देख रहे हैं दिस इज द कफ ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का कफ होता है। देन उसके बाद हम कहते हैं बच्चे ये कैनुला होता है, दिस इज द कैनुला ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, एंड दिस इज द ऑब्टूरेटर, दिस इज द ऑब्टूरेटर, एंड दिस इज आउटर ट्यूब। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी। कई बार एग्जाम में ट्रेकियोस्टोमी के या स्किल टेस्ट के अंदर आपसे ट्रेकियोस्टोमी के पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स, कफ है ये वाला एरिया कफ है, देन आउटर ट्यूब है, दिस इज आउटर ट्यूब, देन दिस इज द कफ, दिस इज द आउटर ट्यूब, दिस इज द ऑब्टूरेटर, एंड दिस पार्ट ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी इज कैनुला। क्लियर है बच्चे? जस्ट नेक्स्ट इज द क्लाइंट विद एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। तो हियर वी कैन से दैट एंडोट्रेकियल सक्शनिंग अप्लाइंग द सक्शन, जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग प्रोसीजर। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो इन दिस प्रोसीजर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज डूइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज डूइंग द ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। यानी कि बच्चे जस्ट इसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया हुआ है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के केस में जस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज डूइंग द सक्शनिंग।
जस्ट क्लाइंट विद द ट्रेक्योस्टॉमी, ये आइडेंटिफाई करिएगा. तो इन दिस इमेज द पेशेंट इज जस्ट डूइंग द जस्ट पेशेंट इज डूइंग द ट्रेक्योस्टॉमी. ट्रेक्योस्टॉमी इज अ सर्जिकली क्रिएटेड होल और स्टोमा इन योर विंड पाइप. तो बच्चे विंड पाइप के अंदर होल या स्टोमा क्रिएट करके, जिस तरह से हमने आपको बताया था ना बच्चों कि कोलोस्टॉमी जीआई वगैरह के अंदर कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी या ट्रेक्योस्टॉमी, तो ट्रेक्योस्टॉमी के अंदर ट्रोक्योस्टोमी ट्रेकिया में जस्ट वी नीड टू क्रिएट अ होल और ओपनिंग और जस्ट थ्रू विच वी इंसर्ट अ ट्यूब एंड वी डिलीवर वी यूज दिस ओस्टोमी ओपनिंग फॉर डिलीवरिंग ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए ट्रेकिया में एक ट्यूब क्रिएट ओपनिंग क्रिएट करना, दिस इज द ट्रेक्योस्टॉमी. क्या है ये? ट्रेक्योस्टॉमी. अंडरस्टैंड बच्चे? तो ट्रेक्योस्टॉमी दो प्रकार से ट्रेक्योस्टॉमी किया जाता है बच्चे. सबसे पहला हम कहते हैं हाई रिंग ट्रेक्योस्टॉमी, हाई रिंग ट्रेक्योस्टॉमी. दूसरा होता है लो रिंग ट्रेक्योस्टॉमी. अंडरस्टैंड बच्चे? तो हाई रिंग ट्रेक्योस्टॉमी किया जाता है बिटवीन 2 to 3, 2 to 3rd रिंग, एंड लो रिंग ट्रेक्योस्टॉमी किया जाता है बिटवीन 3 to 4th रिंग. अंडरस्टैंड? तो लो रिंग एंड हाई रिंग ट्रेक्योस्टॉमी किया जा सकता है. अंडरस्टैंड बच्चों? मोस्ट कॉमन सेकंड से थर्ड तक ट्रेक्योस्टॉमी करते हैं. मोस्ट कॉमन ट्रेक्योस्टॉमी बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड थर्ड जस्ट रिंग्स के बीच में, सी शेप्ड इंटर सी शेप्ड ट्रेकियल रिंग्स. तो वी यूज द सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स फॉर इंसर्शन ऑफ द ट्रेक्योस्टॉमी स्टोमा क्रिएशन. अंडरस्टैंड? देन बच्चे इंस्ट्रूमेंट फॉर द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लैरिंजोस्कोप, दूसरा हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए, और थर्ड हमें चाहिए बच्चों एम्बू बैग. तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी आपको यदि अगर आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं. तो यू नीड ओनली द 3 इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट इज द लैरिंजोस्कोप, सेकेंड इज एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंड थर्ड इज द एम्बू बैग. नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, टंग डिप्रेशर, दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखिए, दिस इज एयरवे, एयरवे इज ऑल्सो वेरी सिंपल. देन यू आर सीइंग द पेशेंट पोजिशन फॉर द थोरासेंटेसिस. हियर वी आर सीइंग द पोजिशंस, दीज पोजिशंस यूज फॉर द थोरासेंटेसिस, दीज पोजिशंस यूज फॉर द थोरासेंटेसिस. थोरासेंटेसिस के लिए यूज प्रोसीजर पोजिशन से, तो जस्ट आपसे कहा जाता है यहां से कि आइडेंटिफाई द राइट पोजिशन फॉर द थोरासेंटेसिस. देन बच्चे पेशेंट पोजिशनिंग फॉर एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस. ये थोरासेंटेसिस के साथ ही एक जीआईटी का इमेज था, असाइट्स वालों को इस तरह का पोजिशन दे करके असाइट्स का पेरिटोनियोसेंटेसिस किया जाता है, पैरासेंटेसिस इसको कहते हैं. देन नेक्स्ट इमेज इज द एम्बू बैग. तो बच्चे एम्बू बैग यहाँ पर इमेज शो हो रहा है. एम्बू बैग के पार्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ. तो एम्बू बैग में सबसे पहले हम कहते हैं कि ये होता है बच्चे रेड कलर का जो हमें दिख रहा है, ये होता है पीप वॉल्व. क्या नाम है? पीप वॉल्व. तो एम्बू बैग में कौन कौन से वॉल्व होते हैं इस बात को ध्यान से समझना. स्किल टेस्ट में आपको एम्बू बैग दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है जस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एम्बू बैग. क्लियर है? तो सबसे पहला होता है बच्चे पीप वॉल्व. कौन सा वॉल्व होता है? पीप वॉल्व. सेकंड होता है एक्सपायरेटरी वॉल्व. यहाँ जो आप ये दूसरा वॉल्व देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम होता है एक्सपायरेटरी वॉल्व. थर्ड आप देख रहे हैं पॉप ऑफ वॉल्व. थर्ड जो ये वॉल्व देख रहे हैं इसका नाम होता है पॉप ऑफ वॉल्व. क्या नाम है बच्चों? पेप ऑफ वॉल्व, पॉप ऑफ वॉल्व. देन आपके पास होता है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग. अपने आप फूल जाता है इसलिए इस बैग को क्या कहते हैं? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग. देन बच्चे पॉप ऑफ वॉल्व होता है, पीप वॉल्व होता है, एक्सपायरेटरी वॉल्व होता है. तो दिस इज द एक्सपायरेटरी वॉल्व, दिस इज पीप वॉल्व, एंड दिस इज द पॉप ऑफ वॉल्व, एंड दिस इज द दिस पार्ट ऑफ एम्बू बैग इज द फेस मास्क. ये क्या है? फेस मास्क है. देन बच्चे नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? यहाँ पर एयर इनलेट वन वे वॉल्व होता है एंड O2 रिजर्वर सॉकेट होता है. दिस इज वन वे वॉल्व, दिस इज द वन वे वॉल्व. देन ऑक्सीजन ट्यूबिंग सिस्टम होता है. नीचे यहाँ से ट्यूब कनेक्ट करके O2 आप कनेक्ट कर देंगे. देन यहाँ पर रिजर्वायर बैग होता है. क्या होता है? रिजर्वायर बैग. देन यहाँ पर एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वॉल्व. ये जो वॉल्व होता है दैट इज दिस वॉल्व इज कॉल्ड एज द प्रेशर रिलीज वॉल्व या फिर एयर इनलेट वॉल्व. तो कौन कौन से वॉल्व होते हैं बच्चे? सबसे पहला एम्बू बैग के अंदर प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है. सेकंड आप देखेंगे पीप वॉल्व होता है. थर्ड आप देखेंगे बच्चे एक्सपायरेटरी वॉल्व होता है. फोर्थ आप देखेंगे पॉप ऑफ वॉल्व होता है. कौन सा? पॉप ऑफ वॉल्व होता है. एंड ये तो चार टाइप के तो वॉल्व होते हैं. देन यहाँ एक एयर इनलेट वन वे वॉल्व होता है.
तो टोटली 5 टाइप के वॉल्व बच्चों एम्बू बैग के अंदर पाए जाते हैं। एम्बू बैग में कितने 5 टाइप के वॉल्व होते हैं, क्लियर है? तो 5 टाइप के वॉल्व होते हैं। देन उसके बाद यहाँ से ओटू इनलेट चैम्बर ट्यूबिंग होता है, फेस मास्क होता है, रिजर्वायर बैग होता है। ये 3 पार्ट से, रिजर्वायर बैग, सेकेंड आप ओटू ट्यूबिंग, एंड थर्ड फेस मास्क, और बाकी के 5 टाइप के वॉल्व। 5 टाइप के वॉल्व में सबसे फर्स्ट वॉल्व होता है, जस्ट बच्चे सबसे फर्स्ट वॉल्व होता है एयर इनलेट रिलीज वॉल्व, प्रेशर रिलीज वॉल्व। फर्स्ट वॉल्व का क्या नाम है? प्रेशर रिलीज वॉल्व। दूसरा वॉल्व होता है वन वे वॉल्व। थर्ड वॉल्व होता है पीप वॉल्व। फोर्थ होता है एक्सपायरेटरी वॉल्व। एंड देन लास्ट होता है यहाँ से पॉप ऑफ वॉल्व। पॉप ऑफ वॉल्व, फिर ये पार्ट होता है फेस मास्क, देन बच्चे ये होता है ऑटो ट्यूबिंग, एंड दिस इज द रिजर्वायर बैग, क्लियर? देन दिस इज द सक्शन मशीन, इज अ वेरी सिंपल इमेज बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज अ सक्शन मशीन, ओके? एंड जस्ट द क्लाइंट विद एम्फाइसिमा, दिस इमेज इज शोविंग द क्लाइंट विद एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा में क्या होता है बच्चे? एम्फाइसिमा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान ध्यान रखिएगा, जब एम्फाइसिमा का इमेज बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा तो एम्फाइसिमा के केस में एल्वियोलाइज रप्चर हो जाना, एल्वियोलाइज का रप्चर हो जाना ही एम्फाइसिमा कहलाता है। तो एम्फाइसिमा के केस में चेस्ट का जो शेप आएगा वो बैरल शेप हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स गोट रप्चर्ड। तो बच्चों एल्वियोलाइज के रप्चर हो जाने से जो लंग्स के अंदर शेप आ जाता है, बैरल शेप, उसको कहते हैं एम्फाइसिमा। क्या बोला जाता है? एम्फाइसिमा। देन देखिए क्लाइंट विद द ब्रोंकाइटिस, तो बच्चे दिस क्लाइंट इज शोविंग द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लामेशन को कहा जाता है बच्चों ब्रोंकाइटिस। दो तरह की डिजीज ध्यान रखिए, सीओपीडी में दो डिसऑर्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा। तो एम्फाइसिमा एंड ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, वेयर इज एम्फाइसिमा इज द रप्चर ऑफ एल्वियोलाई। अंडरस्टैंड बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज द इंटरकोस्टल ड्रेनेज। दिस इज इंटरकोस्टल ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेनेज हैव द 3 चैम्बर्स, क्लियर? इसमें वाटर सील चैम्बर होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं टोटली, और दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द वाटर सील ड्रेनेज चैम्बर, इंटरकोस्टल ड्रेनेज चैम्बर। देन मैकेनिकल वेंटिलेटर, दिस इज अ पेशेंट, आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है? इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं बच्चे? इस प्रोसीजर में जस्ट पेशेंट इज डिलीवरिंग द ऑक्सीजन बाय यूजिंग द मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो पेशेंट किस पे है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? मैकेनिकली वेंटिलेट करवा रहे हैं पेशेंट को, एयर ब्रीथ करवा रहे हैं। तो दिस इज मैकेनिकल वेंटिलेटर, ओके? देन दिस इज द टेस्ट। ये अक्सर मैंने एम्स के एग्जाम्स के अंदर इस इमेज को देखा है बच्चों, काफी बेहतरीन इमेज होता है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर इज यूज्ड इन केस ऑफ द अस्थमा, अस्थमा या ऑब्स्ट्रक्टिव। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे। तो बच्चे एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन में वी यूज द मीटर डोज इनहेलर, वी यूज द मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर में अस्थमा नेबुला, अस्थमा मीटर डोज इनहेलर अस्थमा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, दिस इज द नेजल कैनुला। नेजल कैनुला, दिस डिवाइस इज नेजल कैनुला, और ये इस टाइप का कैनुला आता है। देखिएगा मैं बताता हूं आपको किस टाइप का होता है, अगर दिख नहीं रहा है तो, इस तरह का होता है ये, और नोज से होते हुए इससे ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। तो यदि अगर आपको इस तरह का डबल ट्यूबिंग वाला इंस्ट्रूमेंट दिखता है ऑक्सीजन डिलीवरी का, तो दैट इज नेजल कैनुला, ओके बच्चे? देन बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये है नेबुलाइजर मास्क, नेबुलाइजेशन मास्क, जो नेबुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, दिस इज नेबुलाइजेशन मास्क। देन अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कलर कोडिंग से रिलेटेड। तो बच्चों दिस सिलेंडर इज आइडेंटिफाई, दिस सिलेंडर, दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, क्योंकि ये ब्लू कलर का सिलेंडर दिख रहा है आपको, और ब्लू कलर के सिलेंडर्स जो होते हैं वो N2O के होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के होते हैं। तो यहां से ही मैं साथ के साथ ही आपको बता देता हूं कि और दूसरे प्रकार के सिलेंडर भी किस किस कलर के होते हैं। तो बच्चों सिलेंडर की कलर कोडिंग जान लीजिएगा,
ऑक्सीजन सिलेंडर का वाइट शोल्डर वाला होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाइट शोल्डर वाला सिलेंडर होता है, CO2 का ग्रे कलर वाला, N2O ब्लू कलर में, नाइट्रोजन ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का रेड कलर का सिलेंडर होता है, हीलियम वाला ब्राउन कलर का होता है और साइक्लोस्पोरिन ऑरेंज कलर का सिलेंडर होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द सिलेंडर्स, क्लियर? डिफरेंट टाइप ऑफ, मोस्टली आपसे पूछा जाता है O2, CO2, N2O और नाइट्रोजन का ब्लैक कलर सिलेंडर होता है। देन बच्चे हियर ऑक्सीजन सिलेंडर, हियर ऑक्सीजन सिलेंडर, बिकॉज क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे पहचाना आपने? बिकॉज इट हैव द व्हाइट कलर हेड, इसका जो हेड है शोल्डर है व्हाइट कलर, शोल्डर वाला सिलेंडर हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ओके, देन दीज आर द चैम्बर्स, दीज आर द पोर्ट्स फॉर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन। तो दिस इज द ऑक्सीजन डिलीवरिंग पोर्ट, एयर पोर्ट, एंड दिस इज द वैक्यूम वैक्यूम पोर्ट। ये अलग अलग टाइप के पोर्ट होते हैं सप्लाई के लिए, दिस इज ऑक्सीजन सप्लाई, एयर सप्लाई, वैक्यूम सप्लाई। ओके, देन बच्चे ऑक्सीजन सोर्स आप देख रहे हैं, यहां से होकर के ही पूरे वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाया जाता है। तो दिस डिवाइस इज द ऑक्सीजन सोर्स डिवाइस, ये क्या है ऑक्सीजन सोर्स है, और ऑक्सीजन वॉल आउटलेट या सेंट्रल सप्लाई इसको कहते हैं। तो दिस इज वॉल आउटलेट एंड दिस इज द सेंट्रल सप्लाई, सेंट्रल सप्लाई या वॉल आउटलेट कहा जाता है। द ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्स थ्रू अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के माध्यम से यहां से पूरे ही हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ठीक है बच्चे, देन नॉन रीब्रीदर मास्क, आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई दिस मास्क, तो दिस इज अ नॉन रीब्रीदर मास्क। क्लियर? देन क्लाइंट विथ सिंपल फेस मास्क, कहा जाए आइडेंटिफाई दिस डिवाइस फॉर ऑक्सीजन यूजिंग इन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाने वाला ये डिवाइस कौन सा है? तो दिस डिवाइस इज द सिंपल फेस मास्क, ये सिंपल फेस मास्क है बच्चों, क्या है ये सिंपल फेस मास्क है। ओके, देन वेंचुरी मास्क, आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। तो यहां पर अगर आपको एक इस तरह का सॉकेट लगा हुआ नजर आए, जैसा ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस तरह का वेंचुरी डिवाइस अगर लगा हुआ हो तो आप पहचान जाना उसको देख करके। तो जब इमेज आएगी ना तो इमेज में क्या मिलेगा, ऐसी वेंचुरी लगी होगी, ये वेंचुरी घूमती रहती है और घूमती है ना, इससे क्या करती है ये रूम एयर को इनहेलेशन के लिए यूज करती है। तो ये ग्रेट मेजर पहचान होती है किसकी, वेंचुरी की। तो वेंचुरी अलग अलग कलर की आती है और अलग अलग टाइप की फ्लो रेट वाली वेंचुरी डिवाइसेस अवेलेबल होती है। हाईएस्ट FiO2 अगर हमें डिलीवर करना है, हाईएस्ट FiO2 बच्चों, यदि क्वेश्चन किया जाए हाईएस्ट FiO2 फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, अगर आप हाईएस्ट FiO2 डिलीवर करना चाहते हो तो आपको नॉन रीब्रीदर मास्क यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना होगा? नॉन रीब्रीदर मास्क, हाईएस्ट FiO2 डिलीवर करने के लिए नॉन रीब्रीदर मास्क को यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे इससे आप 85 से लेकर के 90% तक FiO2 पेशेंट को दे सकते हो। लेकिन यदि अगर आप हाईएस्ट फ्लोरेट वाला डिवाइस यूज करना चाहते हो तो देन द हाईएस्ट फ्लोरेट इज कैन बी डिलीवर्ड बाय यूजिंग द वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क इज अ डिवाइस दैट यूज द हैव द हाईएस्ट फ्लोरेट डिवाइस, तो वेंचुरी मास्क इज अ हाईएस्ट फ्लोरेट डिवाइस। अंडरस्टैंड बच्चों, देन दिस इज द ट्रेल साइन, ट्रेल साइन, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार दिल्ली एम्स के अंदर। मुझे जो संभावित इसका रीजन लग रहा है वो ये लग रहा है क्योंकि दिल्ली एम्स 4 से 5 इमेजेस ऐसी लेके आता है जो नर्सिंग के बच्चों को बिल्कुल नई होती है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू होती है, ऐसी 4 to 5 इमेजेस दिल्ली एम्स के अंदर बताई जाती है बच्चों। इन इमेजेस को मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। जब ऐसा इमेज आपको दे दिया जाए और यहां पर मार्क किया हुआ होगा, यहां मार्क किया होगा, तो यहां पर अगर ट्रैकिया इस तरह से उभरा हुआ नजर आया आपको तो ये ट्रैकिया के असेसमेंट के लिए किया जाने वाला साइन है, असेसमेंट किया जा रहा है और इसको कहते हैं ट्रेल साइन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेल साइन। ओके, देन ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसमें जो चेस्ट का शेप है वो बैरल जैसा शेप आ रहा है, तो दिस इज अ बैरल शेप चेस्ट।
कैसा है ये? बैरल शेप चेस्ट। और बैरल शेप चेस्ट कौन सी डिजीज की पहचान होती है? सीओपीडी में, जब किसी को सीओपीडी होती है ना, तब पेशेंट का चेस्ट आ जाता है बैरल शेप। और बैरल शेप में किस तरह की बैरल शेप में भी स्पेशली कब होता है बैरल शेप? एम्फाइसेमा वाले केस में, क्योंकि सीओपीडी में दो डिजीज हम पढ़ते हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। तो इन केस ऑफ एम्फाइसेमा द पेशेंट चेस्ट बिकम लाइक द बैरल एंड सो दिस टाइप ऑफ चेस्ट अपियरेंस इज कॉल्ड बैरल शेप चेस्ट। क्लियर? तो बैरल शेप चेस्ट होता है ये। देन बच्चे यहां पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस जिनको हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए फोसा, ये जो बीचों बीच में आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो बीचों बीच का एरिया है, यहां पर जो फोसा होता है ये गड्ढा, इसको कहते हैं बच्चे सुप्रा स्टर्नल फोसा। इसका नाम है सुप्रा स्टर्नल फोसा। दिस फोसा इज कॉल्ड सुप्रा स्टर्नल। बच्चे इस फोसा को कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। तो ये फोसा एक तो गड्ढा यहां पर है और एक साइड में है, तो जो बीचों बीच में जो फोसा होता है दिस फोसा इज सुप्रा स्टर्नल, और साइड का जो फोसा है बच्चे ये सुप्रा क्लेविक्यूलर फोसा। फिर क्लेविकल के नीचे जो यहाँ पर फोसा दिखता है हमें, ये इंफ्रा क्लेविक्यूलर फोसा कहलाता है। तो दिस इज सुप्रा स्टर्नल फोसा, दिस इज सुप्रा क्लेविक्यूलर फोसा एंड दिस इज द इंफ्रा क्लेविक्यूलर फोसा। अब आती है कुछ लाइंस। तो बच्चे ये है एंटीरियर मिडलाइन। क्या है ये? एंटीरियर मिडलाइन। देन दूसरा होता है ये लाइन एक्सटर्नल लाइन। मिडलाइन के साइड में ही जो लाइन ड्रॉ करते हैं दिस इज द एक्सटर्नल लाइन। अंडरस्टैंड? थर्ड वाला जो ये लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, ये पैरा स्टर्नल लाइन कहलाता है, पैरा स्टर्नल लाइन। देन जो यहां पर आप ये लाइन देख रहे हैं बच्चों, ये है मिड क्लेविक्यूलर लाइन। अंडरस्टैंड? तो यहां से चार लाइंस के बारे में ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज द मिड लाइन, एंटीरियर मिड लाइन, एक्सटर्नल लाइन, पैरा स्टर्नल लाइन एंड दिस इज मिड क्लेविक्यूलर लाइन एंड दिस एंगल इज कॉल्ड इपिगैस्ट्रिक एंगल, इपिगैस्ट्रिक एंगल। ओके बच्चों, देन कुछ और ध्यान रखिएगा, ये पोस्टीरियर लाइंस हैं, कुछ पोस्टीरियर इमेजिनरी लाइंस एंड लैंडमार्क्स। पोस्टीरियर इमेजिनरी लाइंस में दिस लाइन इज कॉल्ड स्केपुलर लाइन, दिस इज द पोस्टीरियर मिड लाइन। बच्चे दिस रीजन इज सुप्रा स्केपुलर रीजन, दिस रीजन इज इंटर स्केपुलर रीजन, दिस रीजन इज इंफ्रा स्केपुलर रीजन। तो तीन ये जो रीजन कहलाते हैं ये स्केपुलर है, और लंग्स को ऑस्कल्ट करने के लिए हम इन रीजन का यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। तो इस रीजन को कहोगे आप सुप्रा स्केपुलर रीजन, इसे आप कहोगे इंटर स्केपुलर रीजन, इसे आप कहोगे इंफ्रा स्केपुलर रीजन। स्केपुला का नीचे है तो इंफ्रा स्केपुलर, ऊपर है तो सुप्रा स्केपुलर, स्केपुला पर है तो इंटर स्केपुलर। क्लियर है? ये स्केपुलर लाइन है और ये है पोस्टीरियर मिड लाइन। ठीक है बच्चों, देन यहां से कुछ लाइन एक्सिलरी लाइंस शो कर रहे हैं आपके सामने। तो एक्सिलरी लाइन में ये जो ये पेशेंट का एंटीरियर साइड है और ये पेशेंट का पोस्टीरियर साइड है। यदि अगर आप एंटीरियर से पोस्टीरियर देखेंगे बच्चों, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन एंड दिस इज पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक है ना, एंटीरियर एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी। देन बच्चे PaO2 एज एन इंडिकेटर फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, क्या आप ऑक्सीजन थेरेपी के लिए मुख्य रूप से PaO2 देखते हो? वेरी गुड सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। PaO2 इज यूज्ड टू डिसाइड द ऑक्सीजन थेरेपी। सर कैसे कैसे? तो देखिएगा कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला PaO2 80 से 100 mm ऑफ HG नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 60 से 100 mm ऑफ HG यदि PaO2 आता है तो स्किन कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज हो जाती है। बच्चों 60 से कम PaO2 होता है तो स्किन का अपियरेंस साइनोटिक हो जाता है। बच्चों PaO2 यदि 40 से कम रह जाता है तो मेंटल डिफिशियंसी यानी मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम नजर आना शुरू हो जाते हैं। यदि अगर किसी व्यक्ति का PaO2 30 से कम चला जाए तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है? ब्रेडीकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब जो सबसे जानदार क्वेश्चन यहां से बनेगा वो क्या बनने वाला है? तो PaO2 less than 60 mm of Hg
इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। तो ध्यान रखिए, विच इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, देन यू विल आंसर सर PaO2 लेस देन 60। PaO2 का 60 से कम होना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है बच्चों, तो PaO2 लेस देन 60 इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। देन बच्चों, दिस डिवाइस इज शोविंग द दिस इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिंपल फेस मास्क। देन द रीब्रीदर, द पार्शियल रीब्रीदर मास्क, दिस इज द पार्शियल रीब्रीदर मास्क। इट इज यूज टू डिलीवर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अप टू 80%। द ऑक्सीजन फ्लो रेट मस्ट बी मेंटेन्ड और मिनिमम फ्लो रेट इज 6 लीटर पर मिनट। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के शुरुआत में ही, वहां से एक बार आप पूरे फ्लो रेट्स को याद कर लीजिएगा। द नॉन रीब्रीदर मास्क, तो दिस डिवाइस इज नॉन रीब्रीदर मास्क। दिस इज द वेंचुरी मास्क, और वेंचुरी मास्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वेंचुरी के कलर कोडिंग्स, और कलर कोडिंग्स के अकॉर्डिंग इनका फ्लो रेट और FiO2। बच्चों FiO2 होता है, FiO2 क्या होता है, इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन के फ्रिक्शन को FiO2 बोला जाता है। जैसे कि जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर में 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, क्लियर। अब बाकी 78% तो नाइट्रोजन है ना, तो अब जब हम ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं पेशेंट को किसी भी डिवाइस का यूज करके, तो उस डिवाइस में टोटल ऑक्सीजन तो यूज थोड़ा उसमें ऑक्सीजन तो यूज करते नहीं है पूरा कंप्लीटली। तो जस्ट बच्चों इस केस में हम जब पेशेंट को FiO2 डिलीवर करते हैं तो इसका मींस क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर में कितना फ्रिक्शन तक ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन का फ्लो रेट मिनिमम ब्लू कलर वाली वेंचुरी का होता है 2 लीटर पर मिनट, व्हाइट कलर वाला वेंचुरी जो होता है इसका फ्लो रेट 4 लीटर पर मिनट होता है, ऑरेंज कलर वाले वेंचुरी का फ्लो रेट 6 लीटर पर मिनट होता है, येलो कलर वाले वेंचुरी का फ्लो रेट 8 लीटर तक होता है, रेड कलर वाले वेंचुरी का फ्लो रेट 10 लीटर होता है, और ग्रीन कलर के वेंचुरी का फ्लो रेट 15 लीटर का होता है। तो हाईएस्ट वेंचुरी जो ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का आता है और हाईएस्ट क्षमता है 15 लीटर। मिनिमम जो वेंचुरी आता है वो ब्लू कलर का आता है, ये ब्लू कलर वाला वेंचुरी है, और मिनिमम वेंचुरी का फ्लो रेट, मिनिमम वेंचुरी का फ्लो रेट होता है 2 लीटर पर मिनट। क्या हो गया बेटा, सर इमेज क्लियर नहीं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को डिस्टर्ब मत करो प्रिंसेस, थैंक यू सो मच। बच्चों पहली बात तो ध्यान रखो, रेस्पिरेटरी के अंदर जो इमेजेस मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं वो इमेजेस इतनी आसानी से मिलना मुश्किल है आपके लिए, बहुत ज्यादा कोशिश करके ये लेक्चर प्रिपेयर करवाया है, और तीसरी बार इस लेक्चर को मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बार लेक्चर खराब हो चुका है टेक्निकल एरर्स की वजह से। तो बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत से इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है, क्योंकि इसके जो इमेजेस है वो इतने अच्छे नहीं मिलते हैं नेट से, नेट से तो मिलते ही नहीं है, बुक में मिलते हैं, और बुक से आप जानते हो कि स्कैन करके क्वालिटी इतनी बेटर नहीं आती है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए स्कैन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं से जो लेक्चर के मटेरियल को, कंटेंट को प्रिपेयर किया है ना, उसमें बहुत मेहनत की है, और इसको आप कैसे भी करके आपको दिख जाएगा, आपको अपनी मोबाइल की जो ब्राइटनेस है और जो उसकी क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लो आप, क्लियर। तो जब आप मोबाइल की क्वालिटी को इंक्रीज करोगे तब जाके आपको शो होगा। आप देखिएगा मैं इतने डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ, आपको इतना थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि यार सर जो कंटेंट हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी डिजाइन सेट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे डिजाइन सेट करनी है आप सबके लिए, कि भाई मैं अपनी फोटो दिखाने के लिए आपके लिए आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है फोटो वोटो दिखाने का, लेकिन मैं एक हेल्प करना चाहता हूँ नर्सिंग प्रोफेशन के बच्चों की। अब वो बात नर्सिंग प्रोफेशन के बच्चों को अगर समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं हेल्प करूंगा, वरना मैं अपनी वीडियो बंद करके और सो जाऊंगा जाके, मुझे कोई ज्यादा इतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे एक जुनून है बच्चों को पढ़ाने का, और उसी जुनून को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि भाई
अगर दिल्ली एम्स में, मैं सबसे पहली बात, अभी तक जितने इमेज बेस के लेक्चर पढ़ा चुका हूं, उतनी इमेजेस और उतने इमेज बेस कवर करना पहली बात तो किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन ये सारे इमेज बेस क्वेश्चंस, इतने ज्यादा इमेज बेस क्वेश्चंस और इतने बेटर इमेज बेस क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए। मैं कोई ऐसा नहीं वीडियो बना रहा हूँ कि दो इमेज बताए और फिर उसके बाद बोलो कि चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये कर लो और नोटिफिकेशन दबा लो। मत करो आप तो चैनल भी सब्सक्राइब, मुझे जरूरत नहीं है चैनल वैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का, ज्यादा शौक नहीं है मुझे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा निश्चिंत रहिएगा कि मुझे इस तरह के कोई शौक हैं, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे एक शौक है टीचिंग का, और टीचिंग में बड़ा मजा आता है। तो आपसे जब ऑनलाइन जुड़ा तो इसमें मुझे बड़ी तसल्ली मिली कि हाँ यार, अब बच्चे जो है पैन इंडिया से मेरे पास पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के बच्चे, भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है, प्राउड है कि हाँ मैं, मुझे इतने बच्चे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, और पूरे इंडियन स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो ऑफलाइन कोचिंग में पूरे भर रहे हैं, उनको टाइम देता हूँ, फिर आपको टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये अपनी जिंदगी का पर्सनल टाइम खर्च करके आपको दे रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक तो कमेंट अच्छा लिखा करो आप लोग, ताकि दिल खुश हो जाए और अच्छा कंटेंट आपको प्रेजेंट किया जाए। दूसरी बात है कि डेफिनेटली आप थोड़ा पेशेंस रखा करो, अगर कहीं पे थोड़ा टेक्निकल एरर आ जाती है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं इतना तो एक्सपर्ट हूं नहीं बच्चों कि मुझे ये सब चलाना आता हो, मुझे चलाना वलाना कुछ नहीं आता है, पढ़ाना आता है बस। ठीक है, तो कल भी जैसे सुबह लेक्चर पढ़ाया तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो प्रॉब्लम आ गई तो यार कैसे करें उसको, मुझे खुद को नहीं पता कि कैसे क्या करना है भाई, कैसे हैंडल करना है। अब टेक्नीशियन तो मैं ला नहीं सकता, इतने कहाँ से लेके आऊँ, राइट? तो सिंपली बच्चों ध्यान रखो, स्टूडियो के अंदर काफी फंक्शन है, काफी केबल्स हैं, काफी लैपटॉप सिस्टम पूरा चलता है, तो इतना एक्सपर्ट मैं भी उनके अंदर नहीं हूँ, बस मैं तो आपका लेक्चर बनाता हूँ, पूरा प्रिपेयर करवाता हूँ, लेक्चर प्रिपेयर करवा के फिर पढ़ाने आ जाता हूँ। अब उसमें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो यार, एडजस्टमेंट से काम चलता है, समझ गए बात? ठीक है, तो देखिएगा ब्लू कलर का जो FiO2 होता है, इसके अलग अलग टाइप के कलर व कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वेंचुरीज अवेलेबल होते हैं। ब्लू कलर वाले वेंचुरी 2 लीटर पर मिनट, व्हाइट वाला 4 लीटर, ऑरेंज 6 लीटर, येलो 8 लीटर, रेड 10 लीटर और ग्रीन 15 लीटर। तो बच्चे ब्लू कलर का वेंचुरी यूज किया जाता है, मिनिमम फ्लो रेट वाला वेंचुरी है, और ग्रीन कलर वाला वेंचुरी मैक्सिमम फ्लो रेट वाला वेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस दिख रहे हैं आप यहाँ पर, तो दैट इज द ट्रेक्योस्टोमी कॉलर। आपसे ये कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, तो दिस डिवाइस इज द ट्रेक्योस्टोमी कॉलर। व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रेक्योस्टोमी कॉलर, डायरेक्ट टू द ट्रेकिया टू डिलीवर ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी एंड मेडिकेशन टू द पेशेंट विद ट्रेक्योस्टोमी। द ऑक्सीजन फ्लो इज एट टू 10 लीटर पर मिनट, इट इज कंफर्टेबल एंड मोर एफिशियंट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? दिस इज द ट्रेक्योस्टोमी कॉलर। क्या है ये? ट्रेक्योस्टोमी कॉलर है। अंडरस्टैंड बच्चे? देन टीपीस, आपसे ये मैथ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टी पीस। क्या बोला जाता है? टी पीस। टी पीस की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे? इसको वेंटिलेटर से कनेक्ट ज्यादातर करने के लिए यूज करते हैं। वी यूज दिस डिवाइस टू कनेक्ट द वेंटिलेटर। एडाप्टर इज यूज टू एंड द एंडोट्रेकियल यूज टू ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑक्सीजन थेरेपी। तो टी पीस का मेनली पर्पज होता है वेंटिलेटर से कनेक्ट करके ऑक्सीजन देना। देन नेक्स्ट इमेज देखेंगे आप, तो दैट इज द ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड का डायग्राम देखेंगे, और शायद ये डायग्राम दिख रहा है आपको, क्लियर नहीं आ रहा है ना, ये भी नहीं आ रहा। तो ऑक्सीजन हुड के अंदर जो चैम्बर होता है ना, इस चैम्बर में ये जो ऐसा चैम्बर होता है, ऑक्सीजन हुड का मतलब ऐसा, ऑक्सीजन हुड मतलब ऐसा, जैसा कि जैसे आप ये माउस देख रहे हैं ना, चलो मैं इससे बताता हूँ, ये माउस देख रहे हो ना आप, इस माउस में यहां से जुड़ा होता है, मींस पाइप जुड़ा होगा, ऑक्सीजन सोर्स जुड़ा होगा, यहां से ऑक्सीजन सोर्स जुड़ा होगा, और ये ऑक्सीजन हुड ही मानिए आप, ये बिल्कुल सेम एज इट इज ऑक्सीजन हुड है। ऑक्सीजन हुड बच्चे के, इन्फेंट के सिर के ऊपर इस तरह से फिक्स हो जाता है, ऐसे रख करके आप ऑक्सीजन हुड को फिक्स कर दोगे, इसमें बेबी का, इन्फेंट का पूरा हेड फिक्स हो जाता है, और यहां से ये हुड कनेक्ट होता है बच्चों ऑक्सीजन सोर्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह की जो डिवाइस होती है इसको कहते हैं ऑक्सीजन हुड। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन हुड। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द ट्रैकियल, ट्रांस ट्रैकियल थेरेपी।
तो ट्रांस ट्रैकियल थेरेपी में हम क्या करते हैं बच्चों, एंडोट्रेकिया, ट्रेकियोस्टॉमी तो होता ही है, ट्रेकियोस्टॉमी तो होता ही है, लेकिन ट्रेकियोस्टॉमी में हम क्या करते हैं, लंग्स तक एक कैथेटर इंसर्ट करके डायरेक्टली लंग्स में एयर इनहेल करवाते हैं। तो जस्ट द कैथेटर इंसर्टेड थ्रू द ट्रेकियोस्टॉमी डायरेक्टली इनटू द लंग्स, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस ट्रेकियल थेरेपी। तो यहां देख रहे हैं आप नॉन हाइपरबैरिक, नॉट हाइपरबैरिक थेरेपी। तो हाइपरबैरिक चैम्बर है ये, हाइपरबैरिक चैम्बर यूज किया जाता है बच्चों किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को हाई ऑक्सीजनेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर, जैसे ये लेग है, लेग को हम यूज कर रहे हैं हाइपर ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, तो लेग को हाइपर ऑक्सीजनेट किया जा रहा है, अंडरस्टैंड। देन ये जो आप देख रहे हैं ये है डोजिंग एंड डिलीवरी नॉन प्लस हाइपरबैरिक चैम्बर, दिस चैम्बर इज हाइपरबैरिक चैम्बर। इस चैम्बर का नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैम्बर, दिस इज हाइपरबैरिक चैम्बर। देन बच्चे इंडिविजुअल मोनोप्लस हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूनिट, ये इंडिविजुअल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूनिट है, अंडरस्टैंड बच्चे। देन दिस इज अ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी रूम, दिस रूम इज अ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी रूम, अंडरस्टैंड। Then, this is the O2 tent. In this procedure, the examiner showing the O2 tent. क्या है बच्चे ये O2 tent, oxygen administration का ही device O2 tent, 10 से 12 liter per minute flow rate होता है. Then, first image is showing the funnel chest. Second image is showing the pigeon chest. And third image is showing the barrel chest. Then fourth, यदि अगर chest इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो इसे कहते हैं pectus carinatum. यदि chest अंदर की तरफ घुसा हुआ है तो इसे कहते हैं pectus excavatum. तो pectus excavatum this condition and this condition is pectus carinatum. So these are two conditions, identify the both of them, pectus carinatum, pectus excavatum. Then, bachche, auscultation of the posterior chest wall. This method is showing that the auscultation of posterior chest wall. This method is also showing the auscultation of posterior chest wall. In the baby, this healthcare provider is also auscultating the posterior chest wall. Then anterior auscultation. This image is just showing the anterior auscultation of the lungs. This image showing the posterior auscultation of the lungs. Then kidney stroke. This image is showing the kidney stroke. यदि बच्चे इस तरह का breathing wave अगर हमें मिलता है तो दिस ब्रीदिंग वेव, दिस रेस्पिरेटरी वेव इज शोविंग द काइनी स्ट्रोक। तो दिस रेस्पिरेटरी वेव इज शोविंग द काइनी स्ट्रोक वेव, दिस इज अ काइनी स्ट्रोक, और ये एक इंपॉर्टेंट इमेज हो सकता है। इस बार इसका क्वेश्चन मिलने की संभावना ज्यादा है, तो आपको रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग वेव्स मिलेंगे और ब्रीदिंग वेव्स देखकर आपको बताना होगा कि आइडेंटिफाई दिस इमेज। देन बच्चे this is the Kussmaul respiration. This image is showing the Kussmaul respiration. यहाँ पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो इस तरह की waves आपको यहाँ बना के बता रहा हूँ, this wave showing the Kussmaul respiration. Kussmaul respiration is characterized by the deep and rapid respiration. It means air hunger and is seen in diabetic ketoacidosis, alcoholic or starvation ketoacidosis and in uremia. So, bache, Kussmaul respiration ya to ketoacidosis, diabetic ketoacidosis, alcoholic client, starvation or ya fir uremic conditions mein you can observe. Next, this type of respiration is biot respiration.
बायोट्रांसपिरेशन कैसा होता है आइए देखते हैं। इस तरह का इमेज आपको मिलने वाला है। इफ दिस वेव ऑफ रेस्पिरेशन शोविंग व्हाट, आपसे कहा जाए दिस रेस्पिरेटरी वेव शोविंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन, दिस इज द बायोट्स रेस्पिरेशन या काउटिक ब्रीदिंग। तो इसे कहते हैं बायोट या काउटिक। बच्चे दीज आर द लंग्स नॉर्मल एयरवे एंड दिस इज द ट्रैकिपनिया टैकिपनिया, दिस इज शोविंग दिस वेव इज शोविंग द टैकिपनिया, दिस वेव शोविंग द ब्रेडिपनिया, दिस वेव शोविंग द एपनिया। अंडरस्टैंड, दिस इज द वेव फॉर एपनिया, दिस इज द वेव फॉर ब्रेडिपनिया, दिस इज द वेव फॉर टैकिपनिया। देन दिस वेव इज फॉर द काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, दिस वेव शोविंग द काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन एंड दिस वेव लास्ट वेव इज शोविंग द कुशमोल रेस्पिरेशन। ओके बच्चे, तो इस बार के जो एग्जाम में क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है बच्चों, वो पॉसिबिलिटी है वेव्स को आइडेंटिफाई, रेस्पिरेटरी वेव्स को आइडेंटिफाई करना। यानी कि आप कार्डियोलॉजी के अंदर फिब्रिलेशन वाले वेव तो जानते ही हैं, टैकीकार्डिया अरिथमिया के वेव्स, और साथ के साथ ही कुछ वेव्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो किससे रिलेटेड होंगे, जो होंगे बच्चे इससे रिलेटेड, राइट। तो सिंपली रेस्पिरेटरी वेव्स भी इस बार एग्जाम के अंदर आ सकता है। देन पल्स ऑक्सीमेट्री आप पहले भी देख चुके हैं। देन बच्चे एपनिस्टिक वेव, दिस वेव इज द एपनिस्टिक वेव, इस तरह का वेव यदि मिलता है तो दिस वेव इज एपनिस्टिक वेव, दिस इज एपनिस्टिक वेव, एपनिया क्या है ये बच्चे, एपनिस्टिक वेव। तो आइडेंटिफाई दिस रेस्पिरेटरी वेव, दिस इज अ एपनिस्टिक वेव। ओके बच्चों, देन स्ट्राइडर, ये कुछ वेव्स हैं, बाद में आप इनको रीड कर लेना, ये डेफिनेशन से। एंड दिस इमेज इज शोविंग द ट्रेल साइन, दिस इज जस्ट इंडिकेटिंग द ट्रेल साइन। ओके, देन हियर फर्स्ट इमेज इज आइडेंटिफाई द गिवन प्रोसीजर, दिस इज द लंग्स पाल्पेशन, जस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर पाल्पेटिंग द लंग्स इन बोथ थ्री, इन दिस गिवन थ्री इमेजेस द हेल्थ केयर प्रोवाइडर पाल्पेटिंग द लंग्स, इन दिस फर्स्ट जस्ट वी आर पाल्पेटिंग द एपिकल लंग्स, इन फर्स्ट इमेज द लंग्स इज पाल्पेटिंग बाय दियर एपिकल। तो लंग्स का अपेक्स ऊपर होता है, तो बच्चे वी नो दैट इस तरह से लंग्स होते हैं, ये देखिए, तो दिस इज द एपिकल पार्ट ऑफ द लंग्स एंड दिस इज द बेस ऑफ द लंग्स, बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम, तो हियर द अपेक्स ऑफ द लंग्स, ये लंग्स का अपेक्स है और यहां से लंग्स को पाल्पेट किया जा रहा है, तो दिस इज द एपिकल पाल्पेशन ऑफ लंग्स, दिस इज द पोस्टीरियर पाल्पेशन ऑफ लंग्स एंड दिस इज द एंटीरियर पाल्पेशन ऑफ लंग्स। तो जस्ट आइडेंटिफाई, आपको जरूरत है इमेज देख करके ये पहचानना कि यहां पर किस पार्ट को पाल्पेट किया जा रहा है, तो यहां लंग्स के अपेक्स को पाल्पेट किया जा रहा है, यहां लंग्स के एंटीरियर पोस्टीरियर को और थर्ड इमेज में एंटीरियर के लंग्स के एंटीरियर को। क्लियर है बच्चे, That is the palpation of trachea. So identify this image. In this image, just the healthcare provider is palpating the trachea. Okay. Third, a percussion of the chest. This is when we do the percussion. So this is the percussion of the chest. Then clavicular lungs percussion. यहाँ से lungs का clavicular percussion किया जा रहा है, जो lines हमने show किए थे. Then Bell's tympani. In this image, that is a coin test. एक ये इमेज मुझे लग रहा है इस एग्जाम के पर्पज से काफी बेस्ट इमेज लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए इसको इमेज बेस में बड़ी मुश्किल से निकाला, पता नहीं बहुत पुरानी किताबों में से सर्च करके निकाला, राइट। इमेज दिख रहा होगा आपको कि कितना बेहतरीन कितना खतरनाक इमेज, नेट पे भी नहीं मिलेगा आपको ये, तो ये बहुत ज्यादा पुरानी बुक्स को सर्च किया तब जाके उनमें ये डायग्राम मिला है, 8-10 किताब देखने के बाद जाके आपको ये इमेज निकाल के बता पा रहा हूँ, राइट। तो बच्चे ये कॉइन टेस्ट का इमेज है, और कॉइन टेस्ट कैसे किया जाता है, अ कॉइन इज प्लेस फ्लैट ऑन द चेस्ट एंड स्टक विद द एंटीरियर कॉइन अनादर कॉइन, एक कॉइन को चेस्ट पे रखते हैं और जस्ट वी स्टक द
area by the another coin. On auscultation of the back of the chest on the same side, a metallic or bell like sound is heard. जब आप सेम साइड पे पोस्टीरियर सेम साइड पर आप चेस्ट के बैक में सुनेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा, एक बेल जैसी साउंड सुनाई देगी, बेल जैसी साउंड यू विल हियर। और ऐसा होता है न्यूमोथोरेक्स के अंदर। कब होता है? न्यूमोथोरेक्स के अंदर, जब लंग्स में एयर भर जाती है। अंडरस्टैंड? तो जब आप यहाँ पर ये देखना, ये तो है बच्चों, ये तो है एंटीरियर चेस्ट वाल। मैं सिखाता हूँ कॉइन टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कॉइन नहीं है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन जैसे सपोज करिएगा, वाह यार किस्मत बहुत गजब है आपकी, तो बहुत शानदार किस्मत है भाई। ये कॉइन है मेरे पास, दो कॉइन, ठीक है। कॉइन टेस्ट करके बताते हैं आपको अभी कॉइन टेस्ट कैसे करते हैं। एंटीरियर चेस्ट वाल पे कॉइन रख लिया ऐसे, फिर आपको क्या करना है, दूसरा कॉइन दूसरे हाथ में लेना है, ये दूसरा कॉइन आपके पास सेकेंड हैंड में है। और फिर इससे आपको क्या करना है, इस कॉइन से यहां पर स्टक करना है, ऐसे इस कॉइन पर देना मारना है। जैसे ही इस कॉइन से आप इस कॉइन पे स्टक करोगे, इस तरह से इस कॉइन पे स्टक करने पर क्या होगा बच्चों, पोस्टीरियर में यहां पर आपको स्टेथोस्कोप का बेल लगा के सुनना है, स्टेथोस्कोप का बेल। तो स्टेथोस्कोप का बेल यहां पर देख सकते हो आप, स्टेथोस्कोप का जो बेल होगा ना, बेल जिससे हम सुनते हैं, तो जिसको जिससे ऑस्कल्ट करते हैं, तो उसको यहां पर बेल लगाना है पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पर, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पर बेल लगा करके और हमें सुनना है। यदि अगर पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पर हम बेल लगा करके सुनेंगे तो हमें एक मेटेलिक साउंड सुनाई देगी, मेटेलिक और बेल लाइक साउंड सुनाई देगी। We will hear a metallic और bell like sound. और ऐसा कब होता है बच्चे, pneumothorax के केस में होता है। तो this coin test is used to assess the pneumothorax. Pneumothorax के लिए इस तरह का coin test किया जाता है। Okay? Then imagine showing the auscultation of lungs. Then ये simple सा image है respiratory का, ये भी simple सा image है, इनको ज्यादा explain करने की जरूरत नहीं है। और these are the positions in case of the COPD. So these are the position for the COPD patient. So sitting in a chair with the feet spread shoulder, the part of leaning forward. So this position is the leaning forward. ये ध्यान रखना, identify this position. This position is leaning forward. And leaning forward is best leaning position. Leaning forward is best position for COPD patient. And this sitting edge of the bed and arm folded place on the two or three pillow or point over the right side. This is the another position. यहाँ पर जो ये position देख रहे हो आप, इसके बीच में यहाँ पर दो तीन pillow लगा रखे हैं, okay? Then बच्चे chronic obstructive lungs disease, hyper inflated lungs ऐसे दिखेंगे। यदि अगर आप X-ray करते हो तो X-ray में आपको hyper inflated lungs नजर आएंगे। Hyper inflated lungs कब होते हैं? COPD वाले patient को। तो COPD में लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन शो कर रहा है। देन दिस इज नॉन रिब्रीदर मास्क, ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है इमेज, ये भी इमेज क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये सिंपल फेस मास्क है, ओके। और ये वेंचुरी मास्क है, वेंचुरी मास्क, लेकिन ये इमेज भी क्लियर शो नहीं हो पा रहा है। दिस इज वेंचुरी मास्क और क्लाइंट विद द नेजल कैनुला या प्रॉन्च, ये जरूर आपको इम्पॉर्टेंट है और शो भी हो रहा है, नेजल प्रॉन्च या कैनुला। और दिस इज द क्लाइंट अंडरगोन द ब्रोंकोस्कोपी, ये क्या किया जा रहा है, ब्रोंकोस्कोपी किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो इन दिस प्रोसीजर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज असेसिंग डूइंग व्हाट प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, तो जस्ट इन दिस इमेज वी आर जस्ट डूइंग द ब्रोंकोस्कोपी। देन दीज आर द लंग्स, जनरली द मीडियास्टिनल शिफ्ट, इस लंग में क्या शो किया गया, यहां पर जो शो किया जा रहा है वो किया जा रहा है बच्चों मीडियास्टिनल शिफ्ट, यानी कि एक साइड से लंग्स दबा हुआ है, लंग्स एयर इंटर बिकम ऑफ द डिसरप्टेड और विसरल प्लूरा। तो यहाँ पर जो एरिया शो करने का पर्पज है कि इन दिस इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेज शोविंग, तो दिस इमेज इज शोविंग द न्यूमोथोरेक्स, क्या शो कर रहा है, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर कंटेंट्स एंड हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स एंड टुवर्ड्स द अदर लंग्स, क्लियर। एंड दीज आर द लंग्स ट्रांसप्लांट एंड दिस इज द डबल लंग्स ट्रांसप्लांट, ये दोनों लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन है।
देन इन दिस प्रोसीजर व्हाट वी आर डूइंग, तो जस्ट बच्चे इन दिस प्रोसीजर वी आर डूइंग द स्पाइरोमेट्रिक प्रोसीजर। ये मैच अगर होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है कि इस मैच में जो आप प्रोसीजर देख रहे हैं ये प्रोसीजर क्या शो कर रहा है, ये स्पाइरोमेट्रिक प्रोसीजर है। क्या है बच्चों ये स्पाइरोमेट्रिक प्रोसीजर है। और दिस इज द क्लाइंट विद क्राउफ। क्राउफ क्या होता है, क्राउफ रेफर्स टू, क्राउफ क्या होता है बच्चों, तो क्राउफ रेफर्स टू एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे। पहली बात तो ध्यान रखना क्राउफ क्या है, क्राउफ इज एन इन्फेक्शन ऑफ अपर एयरवे। क्राउफ अपर एयरवे का इन्फेक्शन होता है विच ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रीदिंग एंड कॉजेज अ कैरेक्टरिस्टिक बार्किंग कफ, बार्किंग टाइप का कफ। बार्किंग मीन्स जैसे भौंकने जैसा कफ सुनाई देगा आपको, बार्किंग बार्क साउंड। तो जस्ट द बार्किंग कफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राउप, बार्किंग कफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्राउप। व्हाट इज क्राउप सर, क्राउप इज एन द इन्फेक्शन ऑफ अपर एयरवे। तो व्हाट इज क्राउप सर, क्राउप इज ए इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे। इन केस ऑफ द क्राउप व्हाट वी हियर सर, वी हियर द बार्किंग टाइप ऑफ कफ। व्हेन द अपर एयरवे इज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट कॉजेज द क्राउप, टिश्यू अराउंड द वॉइस बॉक्स एंड द विंड पाइप। बच्चे क्राउप के पेशेंट में वॉइस बॉक्स और विंड पाइप के आसपास के टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाती है। बिकॉज क्राउप क्या है, क्राउप इज एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे। क्राउप की पहचान क्या है, तो इन केस ऑफ द क्राउप जस्ट द पेशेंट हैव द बार्किंग टाइप ऑफ कफ। बार्किंग करना, बार्किंग कफ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्राउप। ओके बच्चों, देन दीज लंग्स शोविंग द सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मल्टीपल फाइब्रोटिक लंग्स हो रहे हैं। देखिए ये डेफिनेटली सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस द एयरवे फिल विद द थिक स्टिकी म्यूकस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। द थिक म्यूकस इज ऑल्सो एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो दीज लंग्स डिस्प्ले द सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन दीज लंग्स आर शोविंग द पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड दिस इज द डायग्राम शोविंग द हिकअप। हिकअप क्या होता है बच्चे, तो हिकअप आर कॉज्ड बाय द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम। डायफ्राम के इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के कारण हिकअप होता है। तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने सबर रखा, पेशेंस रखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद आप सबका। और देखो दोस्तों कोशिश तो मैंने अपनी पूरी की है कि आपको रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन क्लैरिफाई करें, लेकिन देखिए मेरे पास इमेजेस क्लियर नहीं थी, लेकिन आपको दिखाना, चलो मैंने सोचा कि नहीं दिखाने से ज्यादा बेटर है कुछ आप दिखा दें, वो ही ज्यादा बेस्ट मैंने समझा। और इसीलिए आपको क्लियर इमेजेस नहीं होने के बावजूद भी इस लेक्चर को दो बार पढ़ाया, दो बार, कितनी बार, दो बार, ठीक है बच्चों, क्योंकि हर लेक्चर में हर तरह की इमेजेस, इतनी सारी इमेजेस को फाइंड आउट करना फिर उसको अरेंज करना एक डिफिकल्ट था। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज इसको शेयर बिल्कुल मत करना, राइट। और यदि अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करना। आपको अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप पढ़ करके और देख लेना, बाकी किसी को भी आप शेयर मत करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।